हेलो दोस्तों, सो इन्फिनिक्स ने अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया इंडिया में। इसका नाम इन्फिनिक्स हॉट 12 प्रो। तो आज की वीडियो में बात करेंगे इन्फिनिक्स हॉट 12 प्रो के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में एंड फाइव रीजंस नॉट टू बाय इन्फिनिक्स हॉट 12 प्रो। नंबर वन होता है इस फोन का डिस्प्ले। दोस्तों यहाँ पे आपको मिलता है 6.6 इंच का एक HD प्लस डिस्प्ले। दोस्तों यहाँ पे आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता। दोस्तों इस फोन का स्टार्टिंग प्राइस है 11,000 और इस फोन का टॉप ब्रांड का प्राइस है 12,000। आपको सभी कंपनी दे रही है फुल HD प्लस डिस्प्ले। जैसे कि 10,000 में आपको मिलेगा टेक्नो स्पार्क 8 प्रो, उस फोन में आपको मिलता है फुल HD प्लस डिस्प्ले। और 10,000 में आपको मिलेगा माइक्रोमैक्स इन नोट 1, उस फोन में आपको मिलता है फुल HD प्लस डिस्प्ले। और 10,500 रेंज में आपको मिलेगा इन्फिनिक्स नोट 11, उस फोन में आपको मिलता है फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले। और 10,500 के रेंज में आपको मिलेगा मोटोरोला मोटो G31, उस फोन में भी आपको मिलता है फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले। तो यहाँ पे कंपनी था एटलीस्ट फुल HD प्लस डिस्प्ले देना तो चाहिए था। नंबर टू होता है दोस्तों इस फोन का सेल्फी कैमरा। दोस्तों यहाँ पे आपको मिलता है फ्रंट पे 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा ही देखने को मिलता है। दोस्तों इस फोन का स्टार्टिंग प्राइस है 11,000 और इस फोन का टॉप ब्रांड का प्राइस है 12,000। 12,000 में आज का सभी कंपनी दे रही है फ्रंट पे 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा प्रोवाइड कर। इसी 10,000 में आपको मिलेगा मोटोरोला मोटो G22, उस फोन में आपको मिलता है फ्रंट पे 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। और 10,500 के रेंज में आपको मिलेगा इन्फिनिक्स नोट 11, उस फोन में भी आपको मिलता है फ्रंट पे 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। और 10,000 में आपको मिलेगा माइक्रोमैक्स का इन नोट 1, उस फोन में भी आपको मिलता है फ्रंट पे 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। और 11,000 में आपको मिलेगा इन्फिनिक्स नोट 11S, उस फोन में भी आपको मिलता है फ्रंट पे 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो यहाँ पे पहुंचता एटलीस्ट फ्रंट पे 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देना तो चाहिए था। नंबर थ्री होता है दोस्तों इस फोन का बैटरी। दोस्तों यहाँ पे आपको मिलता है 5000 mAh का बैटरी, जो कि ठीक है। इसमें आपको मिलता है सिर्फ 18 वोल्ट का स्लो चार्जर ही देखने को मिलता है। दोस्तों इस फोन का टॉप ब्रांड का प्राइस है 12,000 में आपको सभी कंपनी दे रही है 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट दे रही है और बॉक्स के अंदर भी 33 वोट का चार्जर प्रोवाइड करेगी। इसे 10,000 में आपको मिलेगा टेक्नो स्पार्क 8 प्रो, उसमें आपको मिलता है 5000 mAh का बैटरी प्लस 33 वोट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिलता है, बॉक्स के अंदर भी 33 वोट का चार्जर देखने को मिलता है। और 10,500 के रेंज में आपको मिलेगा इन्फिनिक्स नोट 11, उसमें आपको मिलता है 5000 mAh का बैटरी प्लस 33 वोट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिलता है, बॉक्स के अंदर भी 33 वोट का चार्जर देखने को मिलता है। और 11,500 के रेंज में आपको मिलेगा पोको M4 प्रो 4G, उसमें आपको मिलता है 5000 mAh का बैटरी प्लस 33 वोट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिलता है, बॉक्स के अंदर भी 33 वोट का चार्जर देखने को मिलता है। और 11,500 के रेंज में आपको मिलेगा टेक्नो पोवा 3, उसमें आपको मिलता है 7000 mAh का एक मॉन्स्टर बैटरी प्लस 33 वोट का चार्जर बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है। और 11,500 के रेंज में आपको मिलेगा इन्फिनिक्स नोट 11S, उसमें भी आपको मिलता है 5000 mAh का बैटरी प्लस 33 वोट का चार्जर बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे पहुंचता एटलीस्ट 33 वोट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट देना तो चाहिए था। नंबर फोर तो दोस्तों यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और एक डेप्थ सेंसर ही देखने को मिलता है। दोस्तों 12,000 के इमेज का सभी कंपनी दे रही है अल्ट्रा वाइड लेंस प्रोवाइड करे। इसे 10,000 का मोटो G22, उसमें आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलता है। और 10,900 का मोटो G31, उसमें आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलता है। और 11,500 के रेंज में आपको मिलेगा पोको M4 प्रो 4G, उसमें आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलता है। और 12,000 के मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी F22, उसमें आपको मिलता है 40 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे पहुंचता एटलीस्ट अल्ट्रा वाइड लेंस देना तो चाहिए था। तो बात करते हैं रीजन टू बाय इन्फिनिक्स हॉट 12 प्रो। दोस्तों इन्फिनिक्स हॉट 12 प्रो को परचेज करने का सिर्फ एक ही रीजन है, वो है इस फोन का रैम। दोस्तों यहाँ पे आपको मिलता है 8GB का रैम। तो अभी कोई भी कंपनी 8GB का रैम अंडर 12,000 प्रोवाइड नहीं करे, लेकिन अगर आप बजट 11,000 अगर आपको इन्फिनिक्स का स्मार्टफोन को परचेज करना है तो परचेज कर सकते हैं इन्फिनिक्स नोट 11। उसमें आपको मिलता है फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले प्लस उसमें आपको मिलता है मीडियाटेक का हीलियो G88, जो कि गेमिंग के लिए परफेक्ट चॉइस है। प्लस उसमें आपको मिलता है 5000 mAh का बैटरी प्लस 33 वोट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट देता है, बॉक्स के अंदर भी 33 वोट का चार्जर देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपको कोई और स्मार्टफोन परचेज करना है कोई और कंपनी का, तो आप परचेज कर सकते हैं पोको M4 प्रो 4G, उस फोन में आपको मिलता है फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले प्लस उसमें आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप
प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलता है। प्लस उस फोन में आपको मिलता है फ्रंट पे 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और प्रोसेसर में आपको मिलता है मीडियाटेक का हीलियो G96 जो कि गेमिंग के लिए परफेक्ट चॉइस है। और इस फोन में आपको मिलता है 5000 एमएच बैटरी प्लस 30 वाट का फास्टर का सपोर्ट देता है और बॉक्स में भी 30 वाट का चार्जर देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया इन्फिनिक्स हॉट 12 प्रो के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, तो इस वीडियो मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, आप चाहें फेसबुक फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।